रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है, आज तक हमने क्या किया, एक कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बस विद रिस्पेक्ट टू क्या, हमने बात ही नहीं की, ग्राउंड, भाई ग्राउंड के हिसाब से स्पीड 60 है। दूसरी कार जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, विद रिस्पेक्ट टू क्या, बाई डिफॉल्ट ग्राउंड, भाई ग्राउंड के हिसाब से 40 है। पर अगर सपोज करो दो कार जा रही हैं विद द स्पीड ऑफ 40 एंड 40, ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए क्या लगा उसकी स्पीड क्या है, उसको लगेगा ये रेस्ट पे है। तो दो कार इकट्ठी जा रही हैं एक दूसरे को देखते हुए क्या लगेगा कि दोनों रेस्ट पे हैं, लेकिन ग्राउंड को देखते हुए क्या लगेगा, दोनों मोशन में है। तो फर्क हो गया ना, देखने का नज़रिया चेंज हो गया। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो एक कार मान लो जा रही है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आर, एक कार जा रही है स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए क्या लगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए क्या लगा, या ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। अब बी कुछ भी हो सकता है, हम रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जैसे किसी भी बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी जब निकलती है तो ए ड्राइवर की, ए ड्राइवर को क्या लगा कि बी को देखते हुए उसकी वेलोसिटी क्या है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। और बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया, हम वेलोसिटी जो लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वी ऑफ ए बी वेक्टर, वी ए बी वेक्टर का मतलब ए ड्राइवर को क्या लगा बी ड्राइवर को देखते हुए कि उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। वी बी ए वेक्टर का मतलब बी ड्राइवर को क्या लगा ए को देखते हुए कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बी को ए को देखते हुए क्या लगा, ए ड्राइवर बी, ए ड्राइवर को बी को देखते हुए क्या लगा, बी ड्राइवर को ए को देखते हुए क्या लगा, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी निकलती कैसे है, रिलेटिव वेलोसिटी है, अगर आपको वी ऑफ ए बी वेक्टर निकालना है तो आप कुछ ना करें, वी ए वेक्टर में से वी बी वेक्टर को माइनस कर दें, सिंपल कुछ नहीं करना आपने। वी ए बी वेक्टर का मतलब है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। सिमिलरली वी बी ए वेक्टर निकालना है तो वी बी वेक्टर में से वी ए वेक्टर को माइनस कर दें, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे याद करने का फायदा नहीं, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर दो मान लो वेलोसिटीज हैं वी ए एंड वी बी, दो कार जा रही हैं, एक वी ए एक वी बी, मेकिंग एन एंगल ऑफ क्या, थीटा। तो मुझे निकालना है वी ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड, वी ए बी की वैल्यू कितनी है। तो वी ए बी वेक्टर क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस टू ए वी बी कॉस थीटा। और ऐसे अगर मुझे वी बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये भी तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो क्या आएगा, वी बी स्क्वायर वी ए स्क्वायर माइनस टू वी बी वी ए कॉस थीटा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, मैं करके दिखाता हूं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल दो कार्स हैं, एक कार ए एक कार बी, दोनों राइट की तरफ जा रही हैं विद स्पीड ऑफ 60 एंड 60, क्लियर है यहां तक। तो ए को क्या लगा बी को देखते हुए, दोनों 60 60 हैं तो क्या लगेगा कि रेस्ट पे, रेस्ट पे। इसको रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से करके देखते हैं, वी ए बी विल बी इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस टू 60 इंटू 60। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों आर इन राइट डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, कॉस ऑफ क्या आएगा जीरो, कॉस जीरो क्या होता है वन। तो अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर माइनस टू 60 इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या बनेगा जीरो। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, वी ऑफ ए बी, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है। उसी तरीके से अगर मान लो दो कार जा रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक आगे एक पीछे, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 180, तो ए ड्राइवर को क्या लगेगा बी को देखते हुए, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस टू 60 इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 120। तो ए को क्या लगेगा बी को देखते हुए, इसको क्या लगेगा बी को देखते हुए, किसकी स्पीड 60 नहीं है, इसकी स्पीड 120 है। अगर आपको मोशन याद हो, मोशन में एक ट्रेन और साइक्लिस्ट वाली प्रॉब्लम थी ओवरटेकिंग वाली, तो उसमें मैंने आपको कहा था याद कर लो कि अगर दो कार्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन वेलोसिटीज को ऐड कर देना, और सॉरी सबट्रैक्ट कर देना,
और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड कर देना। तो यही तो बता रहा हूँ, अगर दो कार सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस, और अगर ऑपोजिट है तो ऐड। तो मैंने कहा था ये काम हम वेक्टर में सीखेंगे, ऐसा क्यों हुआ? तो समझ में आ रहा है वेक्टर में कैसे हुआ। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दो कार्स हमेशा सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट में जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो एक कार इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60, एक कार इधर जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 60, और इनके बीच में एंगल कितना है 30। तो अब ए ड्राइवर को बी ड्राइवर को देखते हुए क्या लगेगा कि स्पीड क्या है? 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस 2, 60 into cos ऑफ कितना 30। तो समझ में आ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे निकलेंगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, बस आपको जो भी वेलोसिटीज निकालनी है रिलेटिव, तो आप इनको माइनस करते जाए वेक्टर सम को, और रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी वो ये तो आएगी नहीं कि दो कार दौड़ा दो और रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो, बस हो गया काम खत्म। इतना छोटा होता तो बात ही क्या थी। एक्चुअल में प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम अब कैसी आएगी इसको समझते हैं। इस प्रॉब्लम के अंदर जैसे सपोज आपके पास कोई एक, सपोज करो यहाँ पर एक वेलोसिटी है va वेक्टर, ठीक है va वेक्टर। आपके पास ये एक और वेक्टर है vb वेक्टर। अगर मैं कहूँ कैलकुलेट vab वेक्टर, तो आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करके जरा कैलकुलेट करके देखें क्या बनेगा डायग्राम vab वेक्टर का। ठीक, तो va वेक्टर vb वेक्टर, तो आपको क्या निकालना है vab वेक्टर। vab वेक्टर क्या है? va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। ठीक है, तो vab वेक्टर क्या है? va वेक्टर माइनस vb वेक्टर। ठीक है, तो इस केस में v ऑफ ab वेक्टर विल बी इक्वल टू va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर, राइट तो मैंने आपको क्या सिखाया था, ये va वेक्टर है तो ये क्या बनेगा? माइनस vb वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के हिसाब से ये आपके पास क्या आ गया? va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर। तो मैं इस डायग्राम से कुछ ये नहीं सिखा रहा कि देखो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, हमने मैग्नीट्यूड निकालने हमने सीख लिया। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे यूज होता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके दिखाता हूं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है क्या रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी में आपको जैसे सपोज करो, पहला केस मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूं, उसके बाद मैं अपने लेक्चर पे आऊंगा, कि सपोज करो आपको एक वेक्टर वो दे रहा है va वेक्टर। पहला केस दे दिया va वेक्टर, बिल्कुल क्लियर बात। आपको वो एक और वेक्टर दे रहा है माइनस vb वेक्टर, बिल्कुल माइनस साइन के साथ दे रहा है, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, vb वेक्टर ऊपर होता होगा, उसने माइनस vb दे दिया। उसने कहा कि मेरे को कैलकुलेट करके दो v ऑफ ab वेक्टर। तो आप क्या करेंगे? va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर, एक ही बात है ना, va वेक्टर माइनस vb वेक्टर, तो va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब इसमें आप क्या ड्रॉ करेंगे? एक पैरेललोग्राम, ये रहा, और ये क्या है इसका रिजल्टेंट। तो क्या बनेगा? va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर, विच विल बी इक्वल टू v ऑफ ab वेक्टर। कोई डाउट इसमें? डायग्राम क्लियर है यहां तक? तो अगर मैं आपसे डायग्राम पूछूं कि भाई ये va, ये माइनस vb, आप मुझे va माइनस vb वेक्टर बताओ, तो ये क्लियर है यहां तक? डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा। कोई डाउट इसमें? वैल्यूज बाद में देखेंगे, आप सिर्फ ये डायग्राम बताओ, डायग्राम बनाना आ गया, प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है अभी बताऊंगा। ये पहला केस है। चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया गिवन va वेक्टर, गिवन vb वेक्टर, फाइंड v ऑफ ab वेक्टर। तो आप फिर से क्या करेंगे? va वेक्टर प्लस माइनस vb वेक्टर। तो माइनस vb कहां मिलेगा आपको? नीचे मिलेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? va माइनस vb,
क्योंकि आपको चाहिए माइनस वी बी, दे आपको क्या रहे वी बी, तो वी बी से माइनस वी बी कैसे बनेगा नेगेटिव वेक्टर लेके, ये पॉइंट क्लियर है। तो आप यहाँ पे फिर से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, ये डायगनल लेंगे, तो ये आपके पास कौन सा वेक्टर आएगा वी ऑफ ए बी वेक्टर, दैट इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? मतलब या तो आपको सीधी सीधी बात कहेगा भी मेरे से वी ए ले लो माइनस वी बी ले लो निकाल दो वी ए बी, सिंपल। आपको घुमा के दे देगा तो कहेगा वी ए ले लो वी बी ले लो माइनस वी बी खुद निकाल लेना, तो खुद निकाल के भी आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। अच्छा तीसरा केस, सपोज आपको कहेगा कि ठीक है एक काम करते हैं, ये रहा वी ए वेक्टर, तो मैं आपको वी ए वेक्टर दे रहा हूं, ठीक है वी ए वेक्टर दे रहा हूं, और सपोज करो ये रहा आपके पास वी बी वेक्टर, वी बी वेक्टर, ठीक है। अलग अलग एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक। आज का लेक्चर भी यही है वैसे, और मैंने आपको फिर पूछ लिया वी ए बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर, सेम चीज करोगे ना। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? माइनस वी बी, दिया क्या हुआ है तो क्या करेंगे माइनस वी बी। कोई डाउट? फिर यहां से क्या ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम, ये क्या आएगा रिजल्टेंट, क्या होगा वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल ठीक है यहां तक। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन के अंदर मैं आपको यह दे रहा हूं कि जैसे सपोज आप मुझसे वी ए बी वेक्टर ले लो, ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है सपोज करो मेरे को क्वेश्चन, मैंने आपको क्या दे दिया, मैंने कहा कि ठीक है आप मुझसे एक वेक्टर ले लो, कौन सा वी ए वेक्टर, ठीक है आप एक वेक्टर लो जिसका नाम क्या है वी ए वेक्टर, ये रहा वी ए वेक्टर, एक वेक्टर क्या लो वी ए बी वेक्टर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करके दिखाओ। अब देखो मैंने क्या किया, आपको तीन वेक्टर, दो वेक्टर नॉर्मली मैं क्या देता था वी ए वी बी, इस बार मैंने आपको दो वेक्टर कौन से दिए रिजल्टेंट दे दिया और एक वेक्टर दे दिया, गेम तो तीन वेक्टर की है ना वी ए वी बी वी ए बी। पहले मैं आपको क्या दे रहा था, पहले एग्जांपल में वी ए वी बी या वी ए माइनस वी बी, और हर बार आपसे क्या पूछ रहा था रिजल्टेंट, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं ये कहता हूं आप मुझसे एक वेक्टर ले लो कोई भी वी ए वेक्टर, आप मुझसे रिजल्टेंट ले लो वी ए बी, आप मुझे तीसरा वेक्टर बताओ कहां बनेगा। तो मेरा क्वेश्चन है ये क्या है वी ए, ये क्या है वी ए बी, वी ए बी क्या होता है वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, यानी कि वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। तो इसका मतलब कि किसका रिजल्टेंट है वी ए का और माइनस वी बी का, वी ए तो मैंने आपको दे ही दिया, तो माइनस वी बी कहीं ना कहीं यहां कहीं लाई करता होगा कहीं पर भी, कौन सा माइनस वी बी, तभी तो डायगनल बीच में आएगा। देखो ना दो वेक्टर का रिजल्टेंट है कौन सा वी ए का और माइनस वी बी का, तो वी ए तो है मेरे पास माइनस वी बी ये रहा मेरे पास, तो ये क्या आएगा रिजल्टेंट। इमेजिन कर पा रहे हो कि तीसरा वेक्टर कहां निकलेगा, फिर से दो वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं वी ए और रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट वी ए का और माइनस वी बी का, तो एक वेक्टर यहां एक यहीं बनेगा ना कहीं पर, तभी तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो माइनस वी बी वेक्टर का डायग्राम यहां कहीं बनेगा, ये बात पक्की है, ये बात समझ में आती है। अच्छा चलो मैं इस क्वेश्चन किसी और तरीके से पूछ लेता हूं, फिर से देखते हैं। मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको दिया कि चलो ये मेरे पास लेट अस सपोज ये आपके पास वी ऑफ ए बी वेक्टर है, आपको डायग्राम रट गए हैं, मैंने डायग्राम ही चेंज कर दिया, आपको ये मैंने दे दिया कि चलो वी ए बी वेक्टर ये रहा, ठीक है वी ए बी वेक्टर होता क्या है बताओ, वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी, तो किसका किसका रिजल्टेंट है वी ए का और माइनस वी बी का, मानते हुए चीज। अच्छा अब मैंने आपको एक वेक्टर दे दिया, चलो मैं आपको एक और वेक्टर देता हूं, तीसरा बताना कहां बनेगा, ठीक है सपोज करो जो वी ए वेक्टर है वो मैंने आपको ये दे दिया, सपोज दिस इज वी ए वेक्टर दे दिया, वी ए वेक्टर दे दिया, अब मैंने आपको दो वेक्टर दे दिए, कौन सा वी ए दे दिया
वी ऑफ ए भी दे दिया, वी ए भी रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो एक वेक्टर ये दे दिया एक रिजल्टेंट दे दिया, तो माइनस वी भी कहाँ बनेगा, किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फोर्थ, थर्ड में बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस वी भी यहाँ कहीं रखूंगा तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा। क्या ये बात से पॉइंट समझ में आता है यहाँ तक कि कैसे बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा डायग्राम? सपोज करो फिर से एक बार मैंने आपको फिर से क्वेश्चन पूछा, ये रहा मेरे पास v ऑफ ए बी वैक्टर दे दिया, v ए बी वैक्टर क्या है, वी ए वैक्टर प्लस माइनस वी बी वैक्टर दे दिया। अब मैंने आपको एक वैक्टर v ए बी वैक्टर दे दिया, एक और देता हूँ फिर तीसरा आप निकालना। तो जो एक वैक्टर मैं आपको दे रहा हूँ उसका नाम है वी बी वैक्टर। तो सपोज मैंने वी बी वैक्टर, ये देखो ये मैंने वी बी वैक्टर यहाँ दे दिया, तो एक वैक्टर दे दिया वी बी, एक दे दिया मैंने वी ए बी। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे चाहिए क्या था, माइनस वी बी, दे मैंने क्या दिया वी बी, तो पहले माइनस कर लें। माइनस के लिए एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट वैक्टर ले लेते हैं माइनस वी बी, कोई डाउट इसमें, जो चाहिए वही करेंगे, जान के आपको वी बी देगा और निकालेगा क्या, माइनस वी बी। तो एक वैक्टर ये गिवन है, एक ये गिवन है, तो बोलो वी ए कहाँ बनेगा, जहां भी बनेगा इसके राइट पे ही बनेगा, जहां भी बनेगा है ना, चाहे यहां बने चाहे यहां बने, कहीं भी बने, कहीं मर्जी बना लो, पर यह बात पक्की है कि इन दोनों का रिजल्टेंट ही यहां कहीं आएगा। बात समझ में आ रही है यहां तक? यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं आपको तीन वेक्टर में से दो वेक्टर देता हूं तो तीसरा वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, यह इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? जैसे सपोज करो मैं आपको एक और, चलो क्वेश्चन देता हूं, ये लो बोलो, देखो सपोज करो ये देखो, मान लो आपके पास, ये फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, और इस बार क्वेश्चन है, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास वेक्टर है जिसकी वैल्यू क्या है, v ऑफ बी सी वैक्टर, ये दे दिया। अब ए बी भी यार याद हो गया आपको, मैंने नाम भी चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दी, v ऑफ बी सी वैक्टर ऊपर है, v बी सी वैक्टर मन में सोचो क्या होता है, v बी वैक्टर माइनस v सी वैक्टर, कोई डाउट इसमें? अब मैंने आपको एक वैक्टर दे दिया, मैं आपको एक और वैक्टर देता हूँ तीसरा बताना, और मेरा एक वैक्टर जो मैं दूंगा उसका नाम है वी सी। अब आप देख रहे हो दे मेरे को वी सी दिया, चाहिए मुझे माइनस, तो एक काम क्या करेंगे, वी सी का उल्टा लेंगे माइनस वी सी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या होगा यहां ड्रॉ करना, माइनस वी सी, कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया। अब तीन वेक्टर इन्वॉल्व है, वी बी माइनस वी सी और वी बी सी, वी बी सी तो गिवन ही है, माइनस वी सी ये रहा, तीसरा वेक्टर वी बी कहां मिलेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले में मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रिजल्टेंट है किसका, माइनस वी सी का और वी बी का, वी बी का और माइनस वी सी का, कोई डाउट इसमें? ये रिजल्टेंट है, क्लियर है यहां तक? तो ऑब्वियसली आप इसका जब पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ इसके पैरेलल ये साइड कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि तीसरा वेक्टर कैसे ढूंढना है, ये रिलेटिव वेलोसिटी में है ही कुछ नहीं, तीसरे वेक्टर की ही गेम है, क्योंकि जब आपको दो वेक्टर से वी ए बी पूछता है वो तो निकालना आसान है, लेकिन जब आपको रिजल्टेंट दे देता है और एक और वेक्टर देता है तो तीसरा वेक्टर निकालने की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी। तो आज का लेक्चर इस प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, करें स्टार्ट। तो इसको करने के लिए प्रॉब्लम है, गिवन क्या है, वी सी वेक्टर कहां पर, 40 टूवर्ड्स ईस्ट, सारे वेक्टर ओरिजिन से बनेंगे, तो मुझे गिवन क्या है, ओरिजिन से वी सी वैक्टर, और मान लो ये डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड्स ईस्ट, बना लिया। और मुझे क्या गिवन है, वी ऑफ बी सी, अब साफ पता लग रहा है वी बी सी रिजल्टेंट है, तो वी बी सी कितने हैं, 40√3 नॉर्थ, तो ये क्या है, वी बी सी है। तो मेरे को दो वैक्टर दे दिए उसने, पहला वैक्टर मुझे क्या दिया, पहला वैक्टर मुझे दिया वी सी टूवर्ड्स ईस्ट, दूसरा वैक्टर क्या दिया, v ऑफ बी सी वैक्टर, वी बी सी वैक्टर विल बी इक्वल टू क्या, वी बी वैक्टर प्लस माइनस वी सी वैक्टर।
अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या गिवन है, वी सी, मुझे क्या चाहिए, माइनस वी सी, तो माइनस वी सी कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक ये रहा माइनस वी सी, एक ये रहा वी ऑफ बी सी, दो वेक्टर हो गए। आप मुझे बताओ, मैंने आपको दो वेक्टर दिए, एक वी बी सी, एक माइनस वी सी। अब वी बी सी क्या होता है, वी बी माइनस वी सी, माइनस वी सी आ गया, तो बताओ वी बी कहाँ होगा, इसके राइट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दो वेक्टर तो मैंने दे दिए, ये और ये, और ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो ऑब्वियसली एक वेक्टर यहां कहीं जाएगा। तो ये स्टेप क्लियर है, आइडिया क्लियर है कि पैरेललोग्राम कैसे बनेगा इसमें। तो इसके अंदर डायग्राम क्या बना, माइनस वी सी, वी बी, वी बी सी। मेरे को क्वेश्चन में वी ऑफ बी सी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 40 रूट थ्री, तो ये कितना है, 40 रूट थ्री। मुझे वी सी का मैग्नीट्यूड 40 गिवन है, ये 40 तो ये भी 40 है, ये 40 तो ये भी 40 है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। गेम खत्म, पाइथागोरस लगा लो, लगा तो रिजल्टेंट लो, लेकिन फिर राइट एंगल बना हुआ है। तो ये अगर 40 है, ये 40 रूट थ्री है, तो ये वी बी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस 40 रूट थ्री का होल स्क्वायर। आंसर समझ में आया, वी बी कैसे निकलेगा? तो आपको कोई भी दो वेक्टर देगा और तीसरा पूछेगा, और मजे की बात है, लगनी पाइथागोरस ही है, बनेगा राइट एंगल ही। हाँ, वो बोल नहीं सकते पाइथागोरस, बोलेंगे इसमें रिजल्टेंट ही, बट राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी तो आप निकाल ही सकते हो। तो आइडिया क्लियर है, तो आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपने सोचना है इसमें। तो इसके अंदर उसने यही पूछा कि वी बी की वैल्यू बताओ, वी बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर कहेगा वी बी की डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के लिए आप एंगल निकाल दो ना, ये थीटा, तो डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन को एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाई 40 बाई 40 रूट थ्री, तो टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 40 बाई 40 रूट थ्री, 1 बाई रूट थ्री। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, एंगल कैसे निकलेंगे, डायरेक्शन कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें? तो आपने वैल्यू कैसे निकालनी है, पहले आपको पहले ना बनाना पड़ेगा, दो वेक्टर गिवन है, तीसरा निकालना पड़ेगा, फिर ही आप लगा पाओगे डायरेक्शन एंड पाइथागोरस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स।